हिमाचल प्रदेश के मनाली से यह खबर सामने आई है। सुबह अचानक बजोगी नाले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, तो सुबह करीब 6 बजे अचानक नाले में पानी बढ़ा। नाले का पानी वहां के कई वार्ड्स में जा घुसा और इसी के साथ वोल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील होती हुई नजर आई। टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये वोल्वो बस है, बस स्टैंड है जो नाले में तब्दील होता नजर आया। बसों के अंदर पानी भर चुका है, आसपास के लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि बजोगी नाला जो है वो ओवरफ्लो हो चला है, जिसके चलते पानी का जलस्तर जो वहां पर बढ़ा, उसके बाद वहां पर पास ही में मौजूद बस स्टैंड भी नाले में ही तब्दील होता हुआ नजर आया। बसें पानी में डूबती हुई नजर आई, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति ये कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। तो बारिश अब देश के कई राज्यों के लिए काल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक बाढ़ और बारिश की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद भयावह है। कहीं लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, तो कहीं लोग गाड़ी के समेत पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट जो जारी किए गए बता रहे हैं कि बारिश की पिक्चर अभी बाकी है। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मानसून का सैलाब अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने अब तक 69 लोगों की जान ले ली है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी और कच्छ जिलों में और दक्षिण गुजरात के छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों और अगले कुछ दिनों तक कच्छ में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 18 टीमों को दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों में तैनात किया है। गुजरात में 18 जलाशयों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण 3 जलाशय अलर्ट पर हैं। से पच रही बल्कि दक्षिण भारत में भी कई शहर बारिश के सैलाब में डूब रहे हैं। तेलंगाना में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और ये अलर्ट कल यानी 14 जुलाई के लिए भी है। मंगलवार को भारी बारिश के बीच श्री राम सागर डैम के 9 गेट खोल दिए गए। माना जा रहा है कि डैम का पानी छोड़ जाने से निचले इलाकों में पानी भर सकता है। भारी बारिश की आफत अभी मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के ऊपर से टली नहीं है और आने वाले दिनों में ये आफत और बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज का दिन